नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल बजरंगी में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था एंड गेट का जो लॉजिक है उसका प्रैक्टिकली जो कंडीशन है थ्रू टेबल है उसको हमने प्रूव किया था। इस वीडियो में हम और गेट है उसका जो लॉजिक है वो जो थ्रू टेबल है उसका फोर कंडीशन है उसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पे और जो और गेट है उसके लिए आईसी हम 7432 ए जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसके जिसमें फोर और गेट होते हैं उसको हम धीरे में एक एक करके जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जो पहला है इसमें कंडीशन इनपुट 0 0 उसको सेटिस्फाइड करेंगे, आउटपुट 0 आना चाहिए। यानी यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, पहले पे नेगेटिव, दूसरे पे भी नेगेटिव। यहाँ पे पहले आईसी समझ लें, आईसी है यहाँ पे, यहाँ से जो डॉट है वहाँ से 1 2 3 यानी 7 है यहाँ तक। तो 7 पे हमने ग्राउंड दिया है 5 वोल्ट, और यहाँ पे 14 है, यहाँ से 8 9 10 14 है, तो इस पर हमने VCC यानी 5 वोल्ट प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है पहले उस पर हम पहले में जो यहाँ पे देखिए दो सप्लाई है, एक पॉजिटिव 2 है और 2 नेगेटिव है। तो हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर लिया आईसी के लिए, और जो कंडीशन देने के लिए हमको दो जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला जो है 1 और 2 पे हम 0 0 देंगे, यानी ये नेगेटिव देंगे, यहाँ पे नेगेटिव देंगे, और जो दूसरे पे भी है हम नेगेटिव देंगे तो आउटपुट नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ नेगेटिव शॉर्ट कर देंगे, दूसरे के लिए शॉर्ट कर दिया। आज आउटपुट चेक करने के लिए हमने एक एलईडी रखी हुई है, ऑन होगी तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर की जो पिन है उस पर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको ये जो टर्मिनल है उसको वहाँ पे 3 नंबर पर डालेंगे और यहाँ पर हम पॉजिटिव देंगे, तो यानी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पर छोटा जो टर्मिनल है वो नेगेटिव दे रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव देंगे, देखिए जो एलईडी है वो ऑन हो रही है, यानी जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। देखिए पहला कंडीशन हमने सेटिस्फाई किया। दूसरा कंडीशन देखते हैं इसमें, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले में 0 और दूसरे में 1 देंगे। तो पहले में 0 यानी नेगेटिव देंगे, दूसरे में क्या है यहाँ पे निकाल देंगे शॉर्टिंग जो है हमने, और इस पर हम दूसरे पे क्या है पॉजिटिव देना पड़ेगा हमको, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर दिया, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दिया, पहला 0 यानी नेगेटिव, दूसरा 1 यानी पॉजिटिव, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। यानी इसमें जो एलईडी का हमारा बड़ा टर्मिनल है उसको तीसरे नंबर पर रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसको हम तीसरे नंबर पर रखेंगे और दूसरे जो टर्मिनल उस पर नेगेटिव देंगे, यानी एलईडी ऑन हो जाएगी। देखिए 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 दूसरा कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर लिया। तो तीसरे कंडीशन में हम देखेंगे, तो दूसरे कंडीशन का तीसरा कंडीशन बिल्कुल उल्टा है, यानी पहले पे 1 दूसरे पे 0, यानी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो इसको हम बदल देंगे, टर्मिनल है यहाँ पे ए डाल देंगे और यहाँ जो पॉजिटिव है उसको पहले नंबर पे डाल देंगे, तो आउटपुट तो भी 1 आ रहा है, तो वही 1 आएगा। यानी बड़ा टर्मिनल हम तीसरे नंबर पर डालेंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव देंगे, देखिए ऑन हो रही है। देखिए तीसरी कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर ली। चौथी कंडीशन क्या है, दोनों में 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, दोनों में 1 होगा यानी दोनों पे पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसको हम शॉर्ट करेंगे दूसरे के लिए, दूसरे के लिए यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव मिल गया तो आउटपुट 1 आएगा। यानी वही जो यहाँ पे तीसरे पे नेगेटिव, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों, हमने और गेट का जो आईसी थी उसको फुलफिल कर लिया, उसका कंडीशन चारों जो थ्रू टेबल की कंडीशन उसको सेटिस्फाइड कर लिया। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो में हम नोट गेट के बारे में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिए उस पर सब्सक्राइब, लाल बटन दिए उस पर सब्सक्राइब करके, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल जैसा घंटे जैसा आकार दिए उस पर क्लिक कीजिए, जिससे कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिस मिल सके, आप उसको देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।